देखिए, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव इक्वेशन हमने लिखी y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन हमने लिखी y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स, एंड रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव, दे सुपरपोज एंड रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इट्स गिवन बाय 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। यह मैंने बताया। नाउ एट वन एंड वेयर x इज इक्वल टू जीरो, kx इज इक्वल टू जीरो, साइन kx इज इक्वल टू जीरो, 2a साइन kx इज इक्वल टू जीरो। सिंस इट्स टाइड टू अ रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, हम यह बात लिखेंगे। और साथ साथ में मैं भी इधर फिगर बनाता हूं। इधर स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग एल लेंथ की है, इस पर यह वेव है, यह वेव है इस तरह से किसी भी समय पर, दिस सिचुएशन एट एनी इंस्टेंट। अब मैं लिखता हूं एट अनदर एंड ऑफ स्ट्रिंग, एट अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग x इज इक्वल टू l, kx, k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा, x की जगह l। अब हम कहते हैं सिंस दिस एंड इज ऑल्सो टाइड टू अ रिजिड सपोर्ट, सिंस दिस एंड इज ऑल्सो टाइड टू अ रिजिड सपोर्ट, देयरफॉर किसी भी समय पर 2a साइन kx इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा जीरो तो नहीं होगी, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करेगी। इसके लिए y जीरो हमेशा होना चाहिए, और y जीरो हमेशा तभी होएगा जब 2a साइन kx जीरो होएगा। अब 2a जीरो नहीं हो सकता, तो साइन और आई से साइन k की जगह kx की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल मस्ट बी जीरो, और आई एल से 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू एन पाई, और 2l अपॉन लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू एन, और एल मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा बाय, और लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन n। यह बात मैंने समझाई कि जो स्ट्रिंग है वो किसी रैंडम वेवलेंथ के साथ में
वाइब्रेट नहीं करेगी, यह जो वेवलेंथ होगा यह कोई रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, दिस इज द वेवलेंथ, यह कोई रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। ये जब वाइब्रेट करेगी इस तरीके से तो इस वेवलेंथ की एक फिक्स वैल्यू होगी एंड दैट वेवलेंथ वुड बी गिवन बाय 12 बाय एन। अब एक और बात है, वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स है एंड दैट वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ एफ अपॉन म्यू। हियर एफ इज टेंशन एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ एंड दिस वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इट्स कॉन्स्टेंट, इट्स फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंट। फॉर अ स्ट्रिंग विथ एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ टेंशन एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, तो इधर से मैं लिखूंगा वेवलेंथ की जगह पर मैं यह 12 बाय एन लिखता हूं, वेलोसिटी विच इज अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू इज इक्वल टू 2l बाय एन इनटू फ्रीक्वेंसी। सो द फ्रीक्वेंसी विथ विच दिस स्ट्रिंग वाइब्रेट्स वुड बी इक्वल टू n अपॉन 12 अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। दिस इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द स्ट्रिंग वुड वाइब्रेट, दिस इज द वेवलेंथ विथ विच द स्ट्रिंग वुड वाइब्रेट एंड दिस इज द फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ द स्टैंडिंग वेव। इस बात को बड़े ध्यान से देखिए। अब हम कहते हैं इधर n की वैल्यू क्या होगी, हियर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और एनी इंटीजर, यह सब n की वैल्यूज हो सकती है। अब मैं n की अलग अलग वैल्यूज रख के अलग अलग सिचुएशन को बताता हूं, पहले इसे नोट डाउन कर दीजिए। इफ n इज इक्वल टू 1, यदि n की वैल्यू 1 हो जाए तो हम कहेंगे जो वेवलेंथ होगी दैट वुड बी इक्वल टू 12, द फ्रीक्वेंसी वुड बी 1 बाय 12 अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। इस सिचुएशन में 1 पर कुछ इस तरह का सिचुएशन दिखाई देगी ऐसी, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, यह स्ट्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन है, यह एंटी नोड जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऊपर नीचे आ जा रहा है और दो नोड्स, दिस इज टर्म्ड एज फंडामेंटल नोट और द फर्स्ट हार्मोनिक, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल नोट, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, इट्स ऑल्सो सेट टू बी फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक, इट्स फंडामेंटल नोट और ऑल्सो टर्म्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक।
इस सिचुएशन में यह स्ट्रिंग इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, जो स्ट्रिंग ओरिजिनली ऐसी थी। इस सिचुएशन में जो इक्वेशन लिखी जा सकेगी, आप इधर देखिए, के एल, मैंने यह जो इक्वेशन लिखी है 2a साइन के एक्स की जगह हम l लिखेंगे और k की जगह पर 2 पाई बाय लैम्डा। दिस इज टर्म्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट। इस सिचुएशन को देखिए, अब मैं n इक्वल टू 2, 3 वह सब रख के दिखाता हूं और उनके सिचुएशंस को बताता हूं। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, यह सारी चीज, यह सारी कंडीशन, यह सारे एक्सप्रेशंस नोट कीजिए। मैंने एक्सप्रेशन में n इक्वल टू 1 रखा और एक्सप्रेशन में n इक्वल टू 1 रख के यह जो लैम्डा आया, इसको मैं लैम्डा 1 कह दूं, इट्स इक्वल टू 2l, और इसको मैं f1 कह देता हूं, फ्रीक्वेंसी f1, एंड इट्स इक्वल टू 1/2l, और इसे मैंने कहा दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वी ऑल्सो कॉल इट फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। इट्स फंडामेंटल नोट ऑफ द स्ट्रिंग और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, एंड इन दिस सिचुएशन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लैम्डा 1/2। अब देखिए, if n is equal to 2, if n is equal to 2, यदि n की वैल्यू 2 होगी तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाय 2 और लैम्डा इज इक्वल टू l। ऐसी कंडीशन में जो लैम्डा की वैल्यू होगी, इधर n रख दिया, l इक्वल टू लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू l, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको मैं F2 से डिनोट करता हूं, दैट F2 वुड बी, इधर मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इधर मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 2L, 2/12 और 1/L अंडर रूट ऑफ F/μ। इस सिचुएशन में जो स्ट्रिंग दिखाई देगी वह कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यह टोटल लेंथ L है और स्ट्रिंग इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से स्ट्रिंग दिखाई देगी। दिस टोटल लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज सेकेंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसे हम सेकेंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या फिर हम इसे कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इसे हम फंडामेंटल नोट कहते हैं, इसे हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, या फिर हम कहेंगे सेकेंड हार्मोनिक, इसे हम सेकेंड हार्मोनिक भी कहते हैं, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। दिस इज इफ एल इज इक्वल टू लैम्डा फॉर एन इज इक्वल टू 2, दिस वुड बी द सिचुएशन, व्हाइल
ये दूसरा वेवलेंथ होएगा, इसको मैं लैम्डा टू भी से डिनोट कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो फिक्स वेवलेंथ लैम्डा वन होगी विच इज इक्वल टू 2L, एंड अनदर फिक्स वेवलेंथ इज लैम्डा टू विच इज इक्वल टू L। नाउ अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी हो गई, इधर है 1/2L और इधर हुई 1/L अंडर रूट ऑफ f/n f/μ। मैं इधर n की वैल्यू 2 रख दिया। अब थर्ड सिचुएशन, इफ n इज इक्वल टू 3, यदि n की वैल्यू 3 हो जाए तो जो वेवलेंथ होगी दैट वुड बी 2L/3। वेवलेंथ वुड बी 2L/3। The length of a string, this is the third wavelength. The length of a string would be 3λ3/2. The frequency f3, अब जो हम कहेंगे that is 3/2L under root of f/μ। अब जो सिचुएशन दिखाई देगी उसे मैं फिगर में बनाता हूं। दिस इज लेंथ L, दिस इज लेंथ L और इसमें इस तरह की सिचुएशन दिखाई देगी। अपोजिट एंड हमेशा फिक्स्ड रहेंगे और इस तरह से इधर मुझे एक लूप बना हुआ दिख रहा है, इधर दो लूप बने हुए दिख रहे हैं, अब इधर तीन लूप बनेंगे एक तरीके से। नाउ दिस वुड बी कॉल्ड थर्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहेंगे थर्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर इसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसे कहेंगे सेकेंड ओवरटोन। इसे फंडामेंटल टोन कहेंगे, इसे फर्स्ट ओवरटोन, इसे सेकेंड ओवरटोन, इसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। चौथी सिचुएशन ड्रॉ करता हूं। चौथी सिचुएशन में इफ n इज इक्वल टू 4, इफ n इज इक्वल टू 4, मैं इधर n इक्वल टू 4 रखूंगा और कहूंगा लैम्डा 4 इज इक्वल टू 2L/4 और लेंथ इज इक्वल टू 2 times λ4 और फ्रीक्वेंसी f4 इज इक्वल टू 4/2L अंडर रूट ऑफ f/μ। ये सिचुएशन कैसी दिखाई देगी जरा देखें। यह दोनों फिक्स सपोर्ट, इन दोनों फिक्स सपोर्ट के बीच में यह एक स्ट्रिंग और अब इसमें हमें चार लूप इस तरह के बने हुए दिखाई देंगे, चार लूप इस तरह के बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यह चार लूप देखिए, यह लेंथ L में, यह लेंथ L है, इसमें यह चार लूप बने हुए। दिस इज टर्म्ड एज फोर्थ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, फोर्थ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और इट्स टर्म्ड एज थर्ड ओवरटोन, इसे हम थर्ड ओवरटोन भी कहेंगे। आप एक बात देखिए, हियर वी हैव गॉट वन एंटी नोड एंड टू नोड्स, यह बात मैं लिखता हूं इधर, वन एंटी नोड
one antinode and two nodes. जबकि इस जगह पर हमें क्या दिखा है, थ्री नोड्स. एंड टू एंटी नोड्स. जबकि इस जगह पर हमें क्या दिख रहा है, जरा देखिए, एक दो तीन चार, चार नोड्स दिख रहे हैं और एक दो तीन, तीन एंटी नोड्स दिख रहे हैं. और इस सिचुएशन में देखिए जरा, वी हैव गॉट वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नोड्स एंड फोर एंटी नोड्स. जरा देखिए, और अब मैं जनरलाइज करता हूं इसको. फॉर एनी एन, इफ एन इज इक्वल टू एन, तो हम कहेंगे लैम्डा एन इज इक्वल टू टू एल बाय एन. लैम्डा एन इज इक्वल टू टू एल बाय एन. सो एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय टू, और nth फ्रीक्वेंसी इज एन बाय टू एल इंटू अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू. और ऐसी स्थिति में यहां पर n लूप्स बने हुए दिखेंगे, n लूप्स. इस टोटल लेंथ l में यू विल ऑब्जर्व n लूप्स, फर्स्ट टाइप ऑफ दिस कॉल्ड nth नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, nth नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा. और विल ऑल्सो कॉल इट nth हार्मोनिक, इसे हम nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे. और n माइनस वनth ओवरटोन, n माइनस वनth ओवरटोन भी कहलाएगा. और इस केस में वहां पर n नोड्स होंगे, देयर वुड बी n प्लस वन नोड्स, और n एंटी नोड्स होंगे. दिस वुड बी द कंप्लीट सिचुएशन. जरा ध्यान से देखिए, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी, ये वहां पर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहलाएंगी, इन्हें हम रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. द फर्स्ट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज दिस एफ वन, द सेकेंड रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज एफ टू, द थर्ड रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज एफ थ्री, द फोर्थ रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज एफ फोर, द फिफ्थ रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज एफ एन, एंड सो ऑन. रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं. पहले से नोट करो, पहले से नोट करो, पूरा पूरा ध्यान से.